नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने बात करी थी पावर सेक्टर के बारे में, जिसमें टाटा पावर में मैंने काफ़ी ज़्यादा देखेगा आपको जो रिजल्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट थे वो आपको शो किए थे। और रिजल्ट अगर आप देखेंगे बहुत ही शानदार आए, बहुत ही शानदार इन द सेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा तो आप कहोगे कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट नहीं आए जिस तरीके की कंपनी आपको देखने को मिल रही है, या फिर आप कहोगे कि कंपनी एक लीडर है तो उसको कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये अगर लेकिन आपकी उम्मीद के मुताबिक अगर रिजल्ट दे रहे हैं तो आगे चल के ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बहुत तेज़ी से वर्क करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है टाटा पावर के पास फंड्स की कमी नहीं होगी। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, कोई ग्रोथ एक्सपेंशन का प्लान इनिशिएट करते हो और उसमें फंड लैक कर जाते हैं तो आपको पता है कि वो प्लान एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे क्या है, इनके पास ऑर्डर बुक तो बहुत ही शानदार है, अगर आप देखेंगे सपोर्ट सिस्टम भी बहुत शानदार है। अब रही बात फंड्स की, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड्स अवेलेबल हैं और अदर देखिएगा सोर्सेस तो सारे रास्ते खुले हैं। और अगर ये चीज़ एग्जीक्यूट होती हुई देखने को मिलती है, हालांकि ये अभी हाल फिलहाल की अपडेट है, तो जितने लोग भी ये पूछ रहे थे कि सर टाटा पावर का आगे का क्या व्यू रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये फंड क्रेजिंग से रिलेटेड जो देखिएगा इनका टॉक चल रहा है, ये अगर एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलता है तो स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और आगे चल के तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक में कोई भी दिक्कत नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, कुछ शेयर्स की बात करता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एश्योरिटी है कि ये स्टॉक वेल परफॉर्मर रहेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं टाटा पावर इन एडवांस टॉक टू रेस 600 to 700 मिलियन डॉलर, आप समझ सकते हो, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। गवर्नमेंट का मेन बजट थीम क्या था, रिन्यूएबल एनर्जी, और उसी पे देखिएगा वर्क कर रहे हैं। और इतने बड़े फंड्स लाना इनके लिए कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक बिजनेस मॉडल है, और बिजनेस मॉडल जब आपके पास पहले से रहता है तो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। टाटा ग्रुप इस तरीके से इंडिया में परफॉर्म करता है जिसको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, तो उसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इन एडवांस टॉक विद द इन्वेस्टर इंक्लूडिंग द कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड एज वेल एज अगर आप देखेंगे सिंगापुरियन सॉवरेन फंड टीम सिक होल्डिंग एंड द प्राइवेट इक्विटी फ्रॉम जर्नल अटलांटिक टू रेज मच एज 600 to 700 मिलियन डॉलर। और आप देख सकते हैं कि अगर इतने फंड इन्फ्यूज किए जाएंगे फॉर द ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, तो आप समझ सकते हो इसका सीधा इंपैक्ट स्टॉक की मार्केट वैल्यू पे पड़ेगा। और इससे क्या होगा, इनकी बैलेंस शीट और भी स्ट्रांग होगी। अभी हमने आपको कल बताया था कि जब इनकी बैलेंस शीट में आप एक सबसे अच्छी चीज देखेंगे कि टोटल इनकम कंटिन्यू रेज हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, मार्जिन को बढ़ाने के लिए इनको कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ेगा। कॉस्ट इफेक्टिव के लिए देखिएगा वर्क करें, अपनी बैलेंस शीट को बढ़ाएं, तब ये और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैलेंस शीट और भी अच्छे रिजल्ट ये जनरेट कर पाएंगे। तो आपको पता है कि फंड्स लाना इनके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये अपडेट एग्जीक्यूट होगी मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो फॉर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें, यानी जब स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को क्या कर लें, बढ़ा लें, और जैसे ही देखिएगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए आप एग्जिट कर लें। लेकिन अगर आपका थोड़ा व्यू 6 मंथ का है, 3 मंथ्स का है, तो ये स्टॉक देखिएगा 300 आराम से टच करने वाला है अपकमिंग 2 क्वार्टर में, और उसके बाद आपको अच्छा ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई टाटा पावर की बात। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ऊर्जा ग्लोबल की। ऊर्जा ग्लोबल में देखिएगा जब से रिजल्ट आए हैं थोड़ा सा जो व्यू मैप है वो अनसर्टेन हो गया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर आप वॉल्यूम देखोगे बहुत ही शानदार वॉल्यूम आ रहे थे, बहुत ही ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आ रहे थे, बट आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो अब जब से रिजल्ट आए हैं और स्टॉक में लोअर सर्किट लगाया है, स्टॉक में देखिएगा काफ़ी बढ़िया आपको करेक्शन देखने को मिला था 27 से 30% का,
उसके बाद से जो वॉल्यूम है वो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म की अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे। लाइक शॉर्ट टर्म में स्टॉक क्या रहेगा, अभी अनसर्टेन रहेगा, अपसाइड डाउनसाइड अपर सर्किट लोअर सर्किट पे रहेगा। अब ये स्टॉक देखेगा वन वे फ्लो में कब चलेगा, लाइक कब इसमें लगातार कंटिन्यू आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा या फिर कंटिन्यू एक रिटर्न बेस्ड मॉडल देखने को मिलेगा, वो तब देखने को मिलेगा जब इनके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाना पड़ेगा, कुछ समथिंग कंपनी को वर्क करना पड़ेगा जिससे इन्वेस्टर जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं उनके मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्रिएट हो और स्टॉक में तभी स्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिलेगी। तो जितने लोग भी ये पूछ रहे थे कि सर देखिएगा अभी ऊर्जा ग्लोबल में क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऊर्जा ग्लोबल में नेक्स्ट मोमेंटम तभी बनेगा जब या तो इनकी मैनेजमेंट की तरफ से अच्छी न्यूज आ जाए या फिर सेकेंड आपको पता है नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में कुछ बढ़िया इंप्रूवमेंट कर दें, तब आप देखो एक कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अभी अपर सर्किट दो दिन तीन दिन उसके बाद लोअर सर्किट, ये थोड़ा सा आपका देखिएगा फ्लक्चुएशन कंटिन्यू रहेगा। तो ऊर्जा ग्लोबल को लेकर जितने भी लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर समथिंग उनके पास अच्छे लेवल पे ऊर्जा ग्लोबल है, तो इस अपडेट को आपको दिमाग में पूरी तरीके से बना के रखना है कि आपको नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट पे पूरी तरीके से फोकस करना है। आगे अगर बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए थे, बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, बजट में इस तरीके का अनाउंसमेंट हुआ है। आपको पता है विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर में ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है और आपको पता है कि पूरी डिमांड भी है मार्केट में, लेकिन डेप्ट एक ऐसा इशू होता है जो आपके पर्टिकुलर देखिएगा स्मूथ ऑपरेशन को हर्डल में क्रिएट कर सकता है या फिर अगर आप देखेंगे रुकावटें क्रिएट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इनका एस्टिमेटेड देखिएगा जो डेप्ट ऑब्लिगेशन है वो 82 सीआर का है सितंबर 2022 तक का। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे टाइम बड़ा इशू बना, लाइक टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर डेप्ट सेटलमेंट को, अगर टाइम टू टाइम ये सेटल करते हुए चलते हैं तो कंपनी में ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। आपको भी पता है ये बात कि आपको केवल इसलिए नहीं कमाना है कि लाइक आप टर्न अराउंड ले रहे हो, आप अच्छी बैलेंस शीट क्रिएट करो, आपको इसलिए अच्छा वर्क करना है ताकि आप अपनी इंस्टॉलमेंट अपने जो देखिएगा टाइम टू टाइम जो डेप्ट जो कवरिंग है उसको पूरा कर सकें। तो आप देख सकते हैं टू क्लियर इट्स इंटायर डेप्ट अंडर द OTS प्रपोजल विच नीड्स टू बी मेट विद इन 3 वीक्स, यानी आने वाले 3 हफ्तों में यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसको देखिएगा ये पूरी तरीके से सेटल आउट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर से देखिएगा काफ़ी बड़े चैलेंजेस कंपनी के लिए क्रिएट होंगे। तो ये बहुत ही बड़ा टास्क रहेगा। हालांकि अगर आप स्पोक्स पर्सन की बात सुनेंगे सुजलॉन एनर्जी के, तो उन्होंने कहा है एज अ कंपनी वी एक्सप्लोर ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक ग्रोथ प्लान फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ऑल्सो पॉलिसी वी डू नॉट कमेंट ऑन द स्पेकुलेटिव न्यूज, द कंपनी इज ऑन द शेड्यूल टू मीट इट्स कमिटमेंट टू इट्स लेंडर, यानी कि जो भी इन्होंने अपने लेंडर से वादा किया है वो उसे पूरी तरीके से पूरा करने की क्षमता रखते हैं और ग्रोथ एंड ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिक ग्रोथ पे हम वर्क कर रहे हैं और टाइम टू टाइम हम उस चीज़ को पूरा करते रहेंगे। तो अगर ये अपने डेप्ट ऑब्लिगेशन को अच्छी तरीके से सर्व करते हुए आगे चलते हैं तो स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको पता है कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। तो इस अपडेट पे आपको कंटिन्यू फोकस रखना है। रिजल्ट बेस्ड तो आप देखेंगे बहुत ही शानदार रिजल्ट आए हैं, 2-3 क्वार्टर अगर ऐसे देखने को मिलते हैं तो स्टॉक में एक अच्छा लॉन्ग वे जर्नी आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी फर्दर अपडेट आता है तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।